Good morning students, welcome to your science class. Today we will start a new chapter, chapter number 13, magnets. आपने देखा होगा कि आपका फ्रिज है, ठीक है, आप फ्रिज बंद करते हो, है ना. इट इज़ अ कॉमन एक्सपीरियंस. ये एक कॉमन एक्सपीरियंस है कि जब आप जो रेफ्रिजरेटर का क्लोज जो है वो थोड़ा सा ओपन रखते हो, वो ऑटोमेटिकली शट हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो डोर होता है रेफ्रिजरेटर का, उसमें मैग्नेट होता है. आपने देखा होगा जो क्रेन्स होते हैं, ठीक है, जो कूड़ा उठाते हैं, वो क्या करते हैं, पीसेस ऑफ आयरन को उठा लेते हैं वेस्ट मटेरियल से, है ना. क्रेन हैज़ अ लॉन्ग हैंड. उसका क्या होता है, बहुत लंबा हैंड होता है विद अ बिग ब्लॉक, बहुत बड़ा सा उसमें ब्लॉक होता है उसके एंड पे, जिसमें बहुत एक बड़ा सा ह्यूज मैग्नेट लगा होता है, इज़ अटैच्ड. व्हेन दिस बिग ब्लॉक इज़ lowered over the heap of waste materials, iron pieces stick to it and are moved away easily. अब आयरन जो मैटर होते हैं पीसेस, वो उस पर स्टिक हो जाते हैं क्योंकि उस पर मैगनेट लगा होता है और वो आराम से निकाले जा सकते हैं. कुछ पिन होल्डर्स में भी आप देख सकते हैं, ये देखिए पिन होल्डर्स में भी जो होते हैं यहाँ पर लॉक्स जो होते हैं कंटेन मैगनेट्स. क्यों? ताकि पिन जो है वो जाके अच्छे से चिपक जाए. व्हेन यू पुट पिन्स इन अ पिन होल्डर दे स्टिक टू द सेंट्रल, वो सेंट्रल में जाके स्टिक हो जाती हैं क्योंकि उसमें मैग्नेट होता है. कुछ बॉक्सेस में भी आप देखेंगे, इन सर्टेन बॉक्सेस ऑल्सो, उसमें भी ये देखिए यहाँ पे ये मैग्नेट फिट होता है, मैग्नेटिक लॉक्स होते हैं, ताकि आप एकदम बस उसके ऊपर हल्का सा फ्लिप करें, वो जाके खुद जाके चिपक हो जाता है, ठीक है, खुद जाके वो लॉक हो जाता है, ठीक है. नाउ इफ द लिड इज लेफ्ट स्लाइटली ओपन, इट शट्स ऑटोमेटिकली. अगर लिड जो है वो थोड़ी सी स्लाइटली ओपन रह जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली जाके बंद हो जाएगी. नाउ वट इज एक्चुअली मैग्नेट? मैग्नेट इज अ पीस ऑफ आयरन, निकल और कोबाल्ट दैट कैन अट्रैक्ट आयरन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स. मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट एक आयरन का टुकड़ा है, निकल का, कोबाल्ट का, जो क्या करता है, आयरन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स को, जिसमें आयरन होता है, उन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींच लेता है. ये प्रॉपर्टी जो मैग्नेट्स की होती है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म. द वर्ड मैग्नेट ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मैग्नेट, मैग्नेस, लिथोस. ये जो मैग्नेट का वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है. वर्ड क्या है? मैग्नेस लिथोस, मैग्नेस लिथोस, जिसका मीनिंग है लोड स्टोन और लीडिंग स्टोन, एज द मैग्नेट्स आर यूज टू डिटर्मिन द डायरेक्शंस. क्योंकि मैग्नेट्स क्या होते हैं, वो डायरेक्शंस डिटर्मिन करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं. Now we will discuss about the discovery of magnets. How magnets were discovered? There are many legends. बहुत सारे legends हैं discovery of magnets के पीछे. सबसे पहला जो common जो known है वो है एक elderly shepherd जिनका नाम था Magnus. एक elderly shepherd who lived, जो जहाँ पर एक place था Magnesia, northern Greece में, about 4000 years ago. ठीक है, एक elderly shepherd named Magnus who lived in a place, मैग्नेसिया एक जगह थी, वहाँ पे वो रहते थे नॉर्दर्न ग्रीस में 4000 साल पहले. एक बार वंस मैग्नेस वॉज हर्डिंग हिज शीप, जब वो अपने शेपर्ड, कौन होता है जो शीप्स को, भेड़ों को चराता है, शेपर्ड वही होता है जो भेड़ों को चराता है. तो एक बार मैग्नेस जो था वो अपने जो भेड़ों को था वो चरा रहा था, और गोट्स को, भेड़ बकरियों को, इन द नियर बाय माउंटेन्स, पास ही के नियर बाय पहाड़ पे. नेल्स इन हिज शूज़ एंड द मेटल टिप ऑफ हिज स्टिक गॉट स्टक टू द लार्ज ब्लैक रॉक ऑन विच ही वॉज स्टैंडिंग. उसके जो शूज़ में जो नेल लगा हुआ था, जो कील लगी हुई थी, और जो मेटल टिप था उसका, वो जाके स्टिक हो गया एक बहुत से बड़े पत्थर, रॉक पे, चट्टान पे, जिस पे वो खड़ा हुआ था. ही हैड टू पुल हार्ड टू फ्री हिज स्टिक फ्रॉम द रॉक. उसको क्या किया, उसका जो, उसको बहुत ज़्यादा अपना मेहनत करनी पड़ी, बहुत तेज कर्रे से, बहुत ताकत से उसको पुल करना पड़ा, खींचना पड़ा, ताकि वो उसकी स्टिक जो है वो उस रॉक से हट जाए. ठीक है, टू फ्री हिज स्टिक फ्रॉम द रॉक. द रॉक वॉज अ नेचुरल मैग्नेट. अब रॉक क्या था, वो एक नेचुरल मैग्नेट था, और जो स्टिक था, ठीक है, वॉज अट्रैक्टेड टू इट, और वो जो स्टिक थी वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी. रॉक नेचुरल मैग्नेट था. ठीक है, सच टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक रॉक्स वर कॉल्ड मैग्नेटाइट. ऐसे जो मैग्नेटिक रॉक्स होते हैं उनको मैग्नेटाइट कहा जाता है. परहैप्स आफ्टर आइदर मैग्नेसिया और मैग्नस हिमसेल्फ, क्योंकि मैग्नेसिया या मैग्नेस, उसका जो भी नाम था, उसके बाद इसको नाम दिया गया है मैग्नेटाइट का, उन रॉक्स को. इफ़ अ लॉन्ग पीस ऑफ दिस स्टोन, अगर ऐसा इस स्टोन का एक लंबा सा
पीस जिसको मैग्नेटाइट आप कहते हो वॉज सस्पेंडेड फ्रीली, इट केम टू रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. अगर उसको आप एकदम फ्रीली छोड़ दो तो वो जाके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाके, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके वो रेस्ट करने लगेगा. ठीक है, दिस प्रॉपर्टी वॉज यूज़फुल. अब ये जो प्रॉपर्टी थी वो डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल थी. इसके बाद इसको नेटर नाम दिया गया लोडस्टोन, जिसका मतलब होता है लीडिंग स्टोन. तो ऐसे करके जो था आपका ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का जो पता करने के लिए मैग्नीशिया मैग्नेटाइट जो यूज़ होता है वो आपको बताया गया है इसमें. ठीक है, क्योंकि उसके बाद उसका फिर नेम रख दिया गया लोडस्टोन, जिसका मतलब होता है लीडिंग स्टोन. फिर उसके बाद ये तो आपका नेचुरल मैग्नेट था, फिर थोड़े टाइम के बाद आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनने लगे आयरन पीसेस से. आजकल मैग्नेट जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के बनाए जाते हैं, जैसे कि रेक्टेंगुलर बार सी है और रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट होता है, सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट्स भी होते हैं, यू शेप्ड और हॉर्स शू शेप मैग्नेट भी होते हैं, या डम्बल शेप भी मैग्नेट होते हैं. नाउ लेट अस परफॉर्म वन एक्टिविटी 13.1 टू ऑब्जर्व हाउ आयरन ऑब्जेक्ट्स कैन बी सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेट. सो वी हैव दिस एक्टिविटी टू ऑब्जर्व हाउ आयरन ऑब्जेक्ट्स कैन बी सेपरेटेड. आयरन ऑब्जेक्ट्स को कैसे अलग अलग किया जा सकता है यूजिंग अ मैग्नेट. मिक्स सम आयरन पिंस, आपने आयरन पिंस को मिक्स किया, पेपर पीसेस को, रबर बैंड्स को, क्लॉथ कटिंग्स, वुडन शेविंग्स ऑफ अ पेंसिल, ये सब हमने चीज़ें जो हैं जैसे आयरन पिंस हैं, पेपर के पीसेस हैं, रबर बैंड्स भी हैं, कपड़ों के टुकड़े भी हैं, वुडन शेविंग्स जब पेंसिल आप शेव करते हो उसके छिलके भी हैं ना. आपने क्या किया, एक बार मैग्नेट आपने लिया और आपने उस मिक्सचर के ऊपर उसको रोल कर दिया ऐसे करके. ठीक है, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो आयरन पिंस जो होते हैं वो खाली उस पर जाके स्टिक हो जाते हैं बार मैग्नेट पे. जब आप मैग्नेट को रोल करते हो 2 से 3 बार, 2 to 3 times, आप क्या करोगे, यू विल बी एबल टू सेपरेट ऑल द आयरन पिंस फ्रॉम द मिक्सचर. जब उसको 2-3 बार उस मिक्सचर से ऐसे ऐसे करके घुमाएंगे उस पूरे मिक्सचर से, ये वाले मिक्सचर से, तो व्हाट यू विल गेट, सारे आयरन पीसेस जो हैं वो जाके इस बार में जाके मैग्नेट में जाके चिपक जाएंगे. ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन सेपरेट आयरन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द अदर मिक्सचर. सो ओके, इन दिस वे वी विल कंक्लूड दिस टॉपिक टुडे एंड द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. थैंक यू.